हाय व्यूवर्स, हमारा तवा अभी गरम है तो मैंने सोचा आपको एक रोटी बना के दिखा दूं। मेरा तवा लगभग मीडियम हाई पे है और उस पर मैंने अपनी रोटी रख दी है। दिस आटा इज़ नॉट मेड विद एनी ऑयल और एनी सॉल्ट। दिस इज़ प्लेन आटा फ्रॉम द इंडियन स्टोर एंड विद हेल्प ऑफ वाटर, रेगुलर वाटर आई हैव नीडेड इट। देखिए, इसको एक बार फ्लिप किया और इसमें स्मॉल ब्राउन बबल्स आते हैं। अब इसको हमें थोड़ी देर पकाना है एंड आई विल शो यू एग्जैक्टली व्हाट वी नीड। ये देखिए, धीरे धीरे फूल भी रही है। आई एम नॉट चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ द तवा, इट इज़ एग्जैक्टली वेयर इट वॉज। ये देखिए, ये हो रही है। अब हम हल्का सा चेक करते हैं, लेट इट कुक फॉर जस्ट अ फ्यू मोर सेकेंड्स। And every roti will, you know, it depends how many seconds exactly it will take, क्योंकि temperature vary करते जाता है। इसको अब मैं पलटती हूँ। I always like to use a plain white cloth और इसको साइड में दबा दबा के इसकी एयर हमें हर जगह लेके जानी है। ये देखिए, gently, so that वो फटे ना, फट गई तो वो फूलेगी नहीं। ये देखिए, ये मेरी पफ हो गई, परफेक्ट रोटी। You can still enjoy a perfect roti, absolutely zero oil. Look at this. Perfect. Thank you for watching.